मैं किसके नाम लिखूं जो अलम गुजर रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। आज यकीनन जमहूरियत के लिए एक सियाह तरीन दिन है, क्योंकि जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाने वाले, कमज़ोर तबके के लिए आवाज़ उठाने वाले लाला उस्मान काकड़ अब हम में नहीं रहे। उस्मान काकड़ को मैं पश्तून कौम का लीडर या हीरो सिर्फ नहीं कहूँगा, क्योंकि उस्मान काकड़ न सिर्फ पश्तून कौम के लिए आवाज़ उठाते थे, बल्कि वो बिला तफरीक मजलूम बलोच कौम के लिए, मजलूम सिंधियों के लिए, मजलूम कश्मीरियों के लिए, बल्कि ये कहना बेजा नहीं होगा कि दुनिया में जहां भी जुल्म व सितम की कहानियां रकम हो रही थी, लाला उस्मान काकड़ हमेशा ईमान बाला में आवाज उठाते थे। लेकिन आज अफसोसनाक दिन है, आज एक गमगीन दिन है, क्योंकि जो मजलूम तबके के लिए आवाज़ उठाने वाले, जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाने वाले और आमरियत के खिलाफ डट जाने वाले उस्मान काकड़ अब हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गए। लेकिन शायद उसका नज़रिया अभी दफन नहीं हुआ, वो सोच जो लाला उस्मान काकड़ आवाम में शऊर देकर गए थे, वो शायद ताकियामत जिंदा ये चीज़ रहेगा। बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में अब हमेशा जो बोलने वाला तबका है उसको किसी ना किसी तरह से खामोश कर दिया जाता है। अब डॉक्टर्स के मुताबिक और उनके खानदान के मुताबिक मुख्तलिफ मौकिफ तैयार किए जा रहे हैं। लाला उस्मान काकड़ की फैमिलीज और उनके बेटे का कहना है कि हम शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते हैं, हमारे वालिद साहब तब भी मौत नहीं मरे, उनके मुताबिक उन्हें मार दिया गया, क्योंकि लाला उस्मान काकड़ उस वक़्त घर में अकेले थे छत पर। ये चीज़ काबिल तश्वीश है कि तकरीबन 4 रोज तक लाला उस्मान काकड़ बेहोश रहे और उनको क्वेटा से कराची मुंतकिल किया गया, लेकिन वो होश में नहीं आए। पहले ये मौके इख्तियार किया जा रहा था कि लाला उस्मान काकड़ वॉशरूम के फर्श से फिसले हैं, ब्रेन हेमरेज हुआ है, उसकी वजह से वो बेहोश हो गए। लेकिन अगर दोस्तों हम देखें, लाला उस्मान काकड़ सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अपने अलविदाई तकरीर में ये कह चुके हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि मुझे कुछ हो जाए या मेरे बच्चों को कुछ हो जाए, लेकिन एक चीज़ मैं वाजे कर देना चाहता हूँ, मुझे धमकियाँ मिल रही हैं कि मेरी मौत कोई गुम खाते में ना हो, मेरे कत्ल के जिम्मेदार, मेरी मौत के जिम्मेदार 2 इंटेलिजेंस इदारे होंगे। अब लाला उस्मान काकड़ के बेटे भी यही कह रहे हैं कि शफाफ तहकीकात की जाए ताकि ये पता चले कि क्या लाला उस्मान काकड़ को उन इंटेलिजेंस इदारों ने कत्ल किया है या वो तबी तौर पर इस दुनिया जाने फानी से रुख्सत कर गए हैं। सवाल दोस्तों तो बनता है, तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि हम वो बदकिस्मत कायम हैं जो बानी पाकिस्तान कैद आजम मोहम्मद अली जनाह के गाड़ी की टैंकी से तेल ख़त्म होने का भी बहाना बर्दाश्त कर चुके हैं, उसको भी तस्लीम कर चुके हैं। हम जस्टिस वकार सेठ के कोरोना वायरस से मरने खबर को भी तस्लीम कर चुके हैं। हम बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जिनको मनोवन हम तस्लीम करते हैं, लेकिन शायद पर्दे के पीछे कुछ और कहानियाँ हों। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आर्मी चीफ से अपील करते हैं तमाम पश्तून कौम, तमाम बलोच की तरफ से और हर मकतबे फिक्र की तरफ से, वो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ से ये अपील कर रहे हैं कि लाला उस्मान काकड़ के कत्ल की, उनकी शहादत के हवाले से शफाफ तहकीकात की जाए, क्या वो तबी तौर पर इस दुनिया फ़ानी से जान रुख्सत कर गए हैं या उनको कत्ल किया गया है। ये दोस्तों आने वाला वक्त बताएगा जब गुत्थी सुलझेगी।